हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार, हम आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी फील्ड में जॉब से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ है ये एक लड़का जो समस्तीपुर बिहार से आए थे, विश्वास करके जो रंजीत भैया जॉब लगा ही देगा, और मैंने लगा ही दिया। और बाकी मेरे भाई से जानते हैं क्या है इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कैसे आए, कैसे मतलब इसको कितना फीस लगा, क्या मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ए टू जेड जानेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में लड़के सब बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, रोजगार बेरोजगार मतलब बेरोजगार रहते हैं, लड़के रोजगार ढूंढते रहते हैं, नौकरी ढूंढते रहते हैं। आपको भी अगर जॉब चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अगर हम कॉल नहीं रिसीव कर पाते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज छोड़ देना, जो मैं यहाँ से हूँ, ये नाम है, डिटेल्स, फिर हम आपको बोलेंगे। देखो विश्वास करना है तब आप आ सकते हो, विश्वास करो आ जाओ। बाकी चलिए दोस्त से भाई से जानते हैं कैसे आए आ सकते हैं आप और निडर होकर के, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो जी भैया बताइए, आपको स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या नाम है? दिनेश कुमार वा, हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और रंजीत भैया के थ्रू आए, रंजीत भैया जॉब लगा दिए हैं और बिल्कुल ट्रस्ट चैनल है, फ्रॉड वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, पैसे तो तुमसे मैं एक भी नहीं लिया है, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं लिया। हाँ और बताओ फिर कैसे यहाँ पे आना हुआ, विश्वास कैसे हुआ मेरे? विश्वास हो चुका है क्योंकि आप बिहार से हैं, हम भी बिहार से। अच्छा, और आप ट्रस्टेड चैनल था आपका, विश्वास ये बहुत सारा फ्रॉड करता है, यूट्यूबर बुला के बोलता है कितना देता है कितना, मगर आप जितना बताते हैं उतना ही। तो फिर आप बताओ जैसे आए तो ज्वाइनिंग में क्या क्या सब डॉक्यूमेंट्स लगा? एसएस में 10th 12th मार्कशीट और उसके पुलिस वेरिफिकेशन और यही सब लगता है, और आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, यही सब लगता है। अब फीस जो है, फीस मतलब कितना कितना लगा आप ये बता दीजिए। 7000 में, 7000। दोस्तों आपको भी पता है अभी के टाइम में 69 से 7000 लग ही जाएगा अगर आप ऐसे सिक्योरिटी गार्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो। तो आप भी तैयार होकर के आइए, बाकी बहुत सारा हमारे पास बहुत सारे 50 कंपनी है जहाँ मैं आपको लगा सकता हूँ, ऐसे एक नहीं है। और बताइए आपको और दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ कहाँ फेस करना पड़ा आपको ज्वाइनिंग में? ज्वाइनिंग में वही सर्वर नहीं रहता था सर, तो क्या दिन हो गया, लग गया लगभग 3 दिन हमको लग गया सर्वर के कारण, वैसे आप एक दिन में भी नहीं, वो तो किसी किसी का करवा देता हूँ एक दिन में, लेकिन दोस्तों अधिकतर में 3-4 दिन लग जाता है, सबको लग जाता है 3 दिन, क्योंकि उसमें आईडी कार्ड बहुत सारा क्रिएट करना पड़ता है, पीएफ नंबर एक क्या क्रिएट करना पड़ता है, ईएसआई नंबर क्रिएट करना पड़ता है, बहुत सारा प्रक्रिया होता है किसी भी सिक्योरिटी फील्ड में, ब्रांडेड में अगर आप जाते हैं तो। और बताइए आपका जो है कितना पढ़े लिखे हैं? हम तो ग्रेजुएट हैं। अरे वाह, ग्रेजुएट है, आगे का क्या प्रोग्राम है, सुपरवाइजर सब बनने का काम हम सीखने का? आगे सुपरवाइजर बनेंगे, उसके बाद आईटी फील्ड में जाने का अच्छी है, इंटरेस्टेड है आईटी फील्ड। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताइए, अभी जो है लड़के सब बहुत सारे परेशान रहते हैं जो जाए कि नहीं, मेरे को बोलता है अरे रंजीत भाई तुम ही फ्रॉड कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लो, मेरे को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए रंजीत भैया के थ्रू आइएगा तो अब ट्रस्टेड चैनल है, फ्रॉड वगैरह कुछ भी नहीं होता है, जेन्युइन चैनल है, उसके थ्रू आपका जॉब मिल जाएगा, बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट से रहने से अच्छा है कि आप इसमें जॉब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग होता रहेगा, अर्निंग होगा और अनएम्प्लॉयड भी नहीं रहिएगा आप। तो ट्रस्टेड चैनल आइए, आप लोग ज्वाइन कीजिए। अच्छा तो आपको आपको लगभग अभी सैलरी कितना मिल जाता है, कैसे कैसे सिस्टम? 12 घंटा का 18,500 मिल जाता है। हाँ वो सब हर जगह रहता है। और पीएफ कितना कितना करता है? पीएफ 1300 करता है, 1300 करता है, एसआई भी करता होगा, एसआई भी करता है। तो ये सब जोड़ के देखा जाए टोटल सीटीसी कितना आ जाता होगा? 18,500 इन हैंड हो गया, पीएफ हो गया 1200, 20,000 के समथिंग आपको अप्रोक्स 20,000 के सीटीसी टोटल आपको आ जाएंगे। आप भी अगर जॉब करना चाहते हो, अगर आप अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन भी मिलेगा, सुपरवाइजर भी बन सकते हैं, सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। सुपरवाइजर में दोस्तों डायरेक्ट आओगे, फ्रेशर को सुपरवाइजर बनना मुश्किल हो जाता है, नहीं आपको सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करना पड़ेगा, 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेकर आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बोला भाई सही बोला, भाई को एक्सपीरियंस भी होगा, कुछ दिन से अभी कर रहे हैं इसलिए नॉलेज है। और बताइए अभी कुछ सिक्योरिटी फील्ड में कैसा लग रहा है अभी आकर के? अच्छा लग रहा है यार? अच्छा लग रहा है सर, बेरोजगार तो बढ़िया है, पहले अनएम्प्लॉयमेंट थे, उसके बाद तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जॉब लग नहीं रहा है। कोई नहीं, अच्छा है, भाई ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, बीए पास है, लेकिन फिर भी लास्ट में सिक्योरिटी गार्ड में आना पड़ा, लेकिन भाई ने हिम्मत नहीं आ रहा है, आईटी का तैयारी भी कर रहा है, बाकी आईटी हब में बहुत सारे नॉलेज भी है भाई को।
और बताइए अभी के टाइम में जैसे सिक्योरिटी फील्ड में लड़के सब जॉब करते हैं, डरते हैं जो हम जाएंगे मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा ये फ्रॉड नहीं है ये सच सही है? देखिए रंजीत भैया के थ्रू आइएगा तो फ्रॉड बिल्कुल नहीं होगा, 100 में 100 अच्छा परसेंट नहीं होगा। हाँ मैं हम इन्हीं के थ्रू लगे हैं आके, हमको लगवाए। देखिए क्या है कि मैं कोई लड़का था तो मैं उसे पैसा लेता नहीं हूँ, जो भी सिक्योरिटी में आपको लगना है मैं उस ऑफिस भेज देता हूँ, लड़का डायरेक्ट भेज देता हूँ भाई, वो डायरेक्ट ऑफिस जल्दी कोई पहुँच नहीं पाता है, लेकिन मैं सीधा लोकेशन नंबर दे देता हूँ, नंबर तो मैं ही ज्वाइन नहीं करवाता हूँ, तो लोकेशन दे देता हूँ भाई आप इस लोकेशन में, मेरा नाम बता देना रंजीत, आपका भर्ती हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, और कोई किसी का हिम्मत नहीं होगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड करे, क्योंकि बैंड बजा देंगे हम, वीडियो बना देंगे तो उसका नौकरी ही चला जाएगा, क्या सही बात है? कोई अगर मान लो मैं दिनेश को भेजा कोई भी ट्रेनिंग सेंटर की कोई ऑफिस भर्ती होने के लिए, अगर इसके साथ फ्रॉड करेगा 10,000, 20,000, 40,000 ले लेगा, वो अगर बता देगा जो रंजीत भैया मेरे को भेजा है यूट्यूबर, तो साला उसका बैंड बज जाता, बोलेगा साला ये नौकरी खा जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना ही दूंगा जो भाई मैं बंदे को दिनेश को भेजा हूँ ट्रेनिंग सेंटर चाहे ऑफिस, और इससे 10,000 रुपया ले लिया, 20,000 ले लिया, क्यों लिया, उसका वीडियो बनाएंगे तो उसका तो नौकरी चला ही जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो इसलिए बंदे डर से वो सब काम नहीं करते। अभी मेरे पास प्रतिदिन 10 से 15 लड़के आते हैं दोस्तों, और उसमें से 10-15 में से लड़कों में से एक दो को नहीं भी होता है, बाकी बहुत सारे को हो भी जाता है, लेकिन मेरे को खुशी होता है। अभी मेरा पता है 4 दिन पहले ही 1,000 लड़का कंप्लीट हुआ है, जिसमें तुम भी शामिल हो। 1,000 लड़के को मैं कंप्लीट ड्यूटी लगाया हूँ, अब कोशिश करता हूँ इस हफ्ते ज्यादा लगाने का, इस साल में 2,000 लड़के को लगाने के प्लानिंग कर रहे हैं। तो यही सब सिस्टम दोस्तों, हम तो बोलेंगे भाई आओ जॉब लो, नौकरी लो, ऐश करो, मौज करो। और भाई और कुछ बताइए SIS के बारे में। और इंडिया में बेस्ट है ये SIS, उसके बाद G4SR है। ये बात तो है, तो आके आप लग सकते हैं इसमें, और सर के माध्यम से आइएगा तो बेस्ट है, हमको सर अच्छा लगा, इसके माध्यम से फ्रॉड वगैरह नहीं होने फ्रॉड तो नहीं होगा भाई, मेरे कॉन्टेक्ट करोगे तो फ्रॉड नहीं होगा। आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फ्री होकर के, नीचे में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी मेरा एक फॉर्म भी है, और फॉर्म गूगल फॉर्म है, वहाँ पे बहुत सारे लड़के अप्लाई करके आते हैं, आप भी उस फॉर्म को लिंक को क्लिक करें। देखिए हम इस फॉर्म के बारे में रियल बता रहे हैं, फॉर्म अगर क्लिक करें उसका डाटा मेरे पास रहेगा, है कितना सीनियर को भेज दीजिए, सीनियर को भेजते हैं हम हमारे ऑफिस में, आपका सिलेक्शन होता है 2 दिन के बाद, बोलेगा डायरेक्ट जॉब ही मिलेगा ना, आपको ज्यादा पूछताछ नहीं होगा, गूगल फॉर्म भरने से बेस्ट रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट आइएगा ज्वाइन कर लीजिए। हाँ डायरेक्ट आइए, आप लोग आइए गूगल यूट्यूब के नीचे, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के नीचे फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म भरिए और उसके बाद सर आगे भेज देंगे सीनियर को, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग कॉल जाएगा, कॉल पे आप उसके बाद आइएगा, जिस दिन बोलेगा 2 से 4 दिन 1 हफ्ता के अंदर में आपको बुलाया जाएगा, और उसमें डाटा डिटेल सारे के सारे भर देना है आपको, कॉल कर किसी भी स्टेट में लोकेशन कहाँ ड्यूटी करना चाहता है वो भी उसमें लिख सकते हैं, कितना सैलरी चाहिए कॉमेंट में लिख सकते हैं, मेरे को सर इतना कम से कम चाहिए, और जो भी अप्लाई पोस्ट है कौन सा सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी सुपरवाइजर वो भी भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखो इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, किया हूँ, वैसे आइएगा तो मैं फ्री में करवा दूंगा, 1 भी रुपया नहीं लूंगा, लेकिन गूगल फॉर्म में मेहनत करता हूँ, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, तो भाई फीस 200 रखे है, अगर आपको इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है मत करो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। और नहीं तो आप सीधा आ जाओ दिल्ली गुड़गांव नोएडा, हम डायरेक्ट लगा देंगे, कोई फीस वीस नहीं रहेगा, कोई इशू नहीं है। हाँ तो वो फॉर्म में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है मेरे को, बहुत सारा आपको पता है, मैं भाई को दिखाया जो लैपटॉप से कैसे उसको कॉपी पेस्ट करके लेकर के जाना पड़ता है ऑफिस, उसमें से लड़का को सिलेक्शन करके कॉल करके बुलाना पड़ता है, मेहनत तो थोड़ा बहुत लगता है क्या, और मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ। वेस्ट रहेगा कि आप गूगल फॉर्म के थ्रू आए, डायरेक्ट लग जाइए, लग जाइएगा, अगर वैसे आएगा तो रिटर्न भी होने का चांस रहता है, कितना लगेगा रिटर्न भी होगा। अगर फॉर्म के माध्यम से आते हैं तो आपको 100% डन जॉब मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी दोस्तों फिलहाल अभी इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, लंबा वीडियो हो गया है, और कुछ लास्ट बताओगे? सिक्योरिटी और सेफ्टी फील्ड में मैं चाहता हूँ यार इंडिया का नंबर 1 चैनल बने, लड़के सबको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, हर फील्ड में मिले जॉब। तो दोस्तों बहुत जल्द मैं IT में किस तरह से जॉब मिलता है, बाउंसर किस तरह से बन सकते हैं, बॉडीगार्ड किस तरह से बनते हैं, इस पे भी बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।